तत्व जिसको प्रेत बोलते हैं वो आपको घुमा रहा है, और लोग समझ रहे हैं प्रेत कोई बहुत बड़ी चीज होगी, लेकिन वो अगर शरीर में रम जाए तो बड़ा हो जाता है, बड़ी चीज हो जाती है। उसको निकालना सीख लो, भगवान का नाम लेना सीख लो, कदापि मार नहीं खाओगे आपके, क्योंकि लोग इसको ढोंग ढकोसला बताते रहेंगे, माताओं बहनों के शीश घूमते रहेंगे, उनको इससे मतलब नहीं है, वो इसको अंधविश्वास बताते रहेंगे। बड़े बड़े स्थानों पे बैठ के लोग इसको अंधविश्वास कह देते हैं, बड़े बड़े महात्मा इसके लिए चैलेंज नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो कभी इसको निकालते नहीं, इसके बारे में जानते नहीं, वो ये सोचते हैं अगर तुमने भूत प्रेत निकाल दिया तो तुम समाज के सबसे छोटे व्यक्ति हो जाओगे। जैसे कोई भी आदमी ये सोचता है कि अगर ये भूत प्रेत निकालने वाला है तो कहीं हमें बीमार ना कर दे, कहीं हमें कष्ट ना पहुंचा दे, जबकि मनु भैया दुनिया के कष्ट हर रहे हैं। बोलो, जवाब है तुम्हारे पास इस बात का? खराब हो गया था पैर का। हाँ, फिर हुआ, कमर का डॉक्टरों को दिखाया था? नहीं, गुरु जी, मैं खुद मेडिकल लाइन से हूँ। क्या मेडिकल लाइन में आप? क्या अभी तो टेक्निकल असिस्टेंट हूँ। तो आप क्या बताएंगे दुनिया को कि प्रेत होते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल होते हैं, और मैंने तो महसूस किया है 5 साल से। 5 साल से दिक्कत थी। एक आपने बोलना नहीं है, ये क्रोध ज्यादा करती थी। 5 साल से दिक्कत थी। ध्यान से सुनो, ये क्रोध ज्यादा करती थी। हाँ, बहुत ज्यादा। सोती ज्यादा थी, सवेरे उठने में दिक्कत करती थी, आलस्य करती थी, अपना काम कभी भी पूरा नहीं करती थी, ऐसे आगे ना सर का पिछला हिस्सा सुन रहता था, अपने होश में नहीं रहती थी ज्यादातर टाइम, ऐसा लगता था कितनी बीमार है ये, और आप इसको उठाए उठाए फिर रहे थे डॉक्टरों के, जबकि आप खुद डॉक्टरी लाइन में हो। आप ही नहीं, बहुत सारे डॉक्टर भी आएंगे एक दिन सीखने के लिए भी। मैंने बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर, नाम तो बताऊंगा नहीं, कोई नहीं, नाम पूछना भी नहीं हमें, बड़े बड़े डॉक्टर, आपने यही कह दिया दुनिया अपने आप समझ गई। अरे भाई, दुनिया इसी बात को अपने आप समझ जाएगी, आपने बड़े बड़े डॉक्टर कह दिया, सब जानते हैं, सब अपने परिवार के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ही जाते हैं जब वो ठीक नहीं होते। कितने दिन से इलाज करा रहे थे बताना? पाँच साल। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, दवाइयों से क्या इनकी बॉडी पे इफेक्ट आ रहे थे, दवाई खाने से? हाँ। क्योंकि तो, और रोग आ रहा था क्या इनका टेस्ट में? कोई भी रोग तो कोई भी नहीं आता था, क्योंकि मैं तो खुद ही टेस्ट, रोग कोई नहीं आता था, आप खुद ही टेस्ट कराते थे और रोग कोई नहीं आता था, फिर दवाई कहाँ खिला रहे थे? अब मेरे को ये बात बता दो, बोलो भाई, क्योंकि नहीं, तू पागल हो गया था, अंधविश्वासी हो गया था डॉक्टरों पे? नहीं, नहीं, डॉक्टरों पे आपने इतना अंधविश्वास कैसे कर लिया कि आप वो दवाइयाँ खिला रहे हो जो टेस्ट में नहीं आ रही, और जब टेस्ट में बीमारी नहीं आ रही फिर कहाँ दवाई खिला रहे थे डॉक्टरों की? और क्या आपको पता नहीं था कि डॉक्टरों की कोई भी दवाई आपको रिएक्ट कर सकती है, रिएक्शन कर सकती है, आपकी पत्नी मर भी सकती है? बताइए, ऐसे ही हालत, मैंने ऐसा देखा है कि डॉक्टर ने यहाँ इंजेक्शन लगाया, घर जाके आदमी मर गया फौरन के फौरन। आगे ना, इंजेक्शन का इतना रिएक्शन होता है कई बार, और कई बार ऐसा होता है कि आदमी उठा उठते ही गिर पड़ा, जैसे इंजेक्शन लगाया, बोले डॉक्टर मना कर देगा रिएक्शन विधि को, बोलिए होता है कि नहीं? मनु भैया का क्या रिएक्शन? एक्शन ही एक्शन, क्या एक्शन ही मनु भैया का कोई रिएक्शन नहीं, केवल एक्शन ही एक्शन, दोनों है, एक्शन भी है, रिप्ले भी है, और सुपरस्टार की अदा। बोले शनिदेव महाराज की।